ना है सोचना है हमारे पेरेंट्स ने पैसे कैसे कमाए हैं किसी का। अगर वही लड़का पेरेंट्स का पर डे अगर 1000 रुपये की मतलब कंज्यूम कर लेता है तो वो एक लेबर का उनके पास जाना उनको देखना मेरे उस चीज़ में कैसे यूज़ करें, गलत चीज़ के लिए यूज़ कर अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करोगे। कोई आपने पर्ची नहीं कटवाई कुछ नहीं कटवाया तो ऐसे कैसे पॉसिबल, हाउ दे कैन पे यू, क्यों पे निकालेगा कि आपके अराउंड जो है वो पुलिस कौन सी है, कैसी यूनिफॉर्म पहनती है, आर्मी कैसी है, आर्मी का एरिया कैसा होता है, ठीक है, वो हनी ट्रैप करेगा आपको, ठीक है, मीठी मीठी बातें करके वो आपको क्या करेगा, आपसे इंफॉर्मेशन निकालेगा कि इंडिया में अच्छा पुलिस स्टेशन कैसा होता है, पुलिस स्टेशन का फ़ोटो खींच के भेजना, वो क्या होगा उनके पास पूरे कोऑर्डिनेट्स पहुँच जाएंगे और वो तो वहाँ है, आप इजीली यहाँ पर आप फंस जाओगे। क्लियर हुआ? कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी शेयर करना मिलिट्री के रिगार्डिंग, पुलिस के रिगार्डिंग, अपने एरिए की बियॉन्ड द फेंस, फेंस के जो उस पार बंदा बैठा है, इट इज़ ए क्राइम। क्लियर हुआ? ये भी एक क्राइम है। उसके बाद तीसरी लड़के हैं जॉब लेंगे, लड़कों को घर वालों को सपोर्ट करना, फिर शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, बट लड़कियों के लिए क्या सोसाइटी में अच्छा मैसेज जाएगा, ठीक है, अच्छा मैसेज में लड़कियाँ जो है लड़कों से काफ़ी एडवांस है, स्टेट में अगर ओपन कंपटीशन रखें लड़कियाँ एडवांस हैं लड़कों से, वो चीज़ खरीदेगा ही नहीं ऑटोमेटिक। एरिया मैं लिटरली बोल रहा हूँ, लिंक आपने न्यूज़ भी सुनी होगा, हमने इन किलोज लिखी 10,000 कह रहा हूँ, 10,000 जो है लेता है, देखा नहीं देखा है, ड्रग्स लेते हैं नार्कोटिक ड्रग, तो क्या होंगे हमने क्या करना है, यही सोचते हो ना आप, कल को उनका बच्चा कर रहा है ना कंज्यूम, एक मिनट नहीं लगेगा वो चीज़ आपके घर तक पहुंचने में, ठीक है। हमारा यहाँ पे ज़्यादा मोटिव है आपके एक जो है एरिया है ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे नारकोटिक की स्मगलिंग बहुत ज़्यादा है और ह्यूज क्वांटिटी में पकड़ा जाता है, इवन कि विद इन ईयर जो है हमारी पुंछ पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा इन किलोज जो है वो रिकवरी की है। आपने देखा होगा जो कंज्यूम करते हैं दे विल कंज्यूम इन बिट्स, उनके पास बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में होता है जिसको वो कंज्यूम करते हैं, सोच स्पॉइल कर देगा उनका फ्यूचर, मतलब दे विल नॉट ओनली स्पॉइल द पर्सन हु इज़ कंज्यूमिंग, दे विल आल्सो डैमेज सोसाइटी, पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स, उसके आसपास के जो भी लोग होंगे वो सबको, सब लड़कों को वाइजली चुनते हैं कि कौन सा लड़का है, किसका लड़का है, इसके पेरेंट्स क्या करते हैं, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अगर कोई एम्प्लॉयड है पेरेंट्स वो उसको टारगेट करेंगे, ठीक है, कैसे टारगेट करेंगे वो देखेंगे, उसको डोज देंगे, बोले इसको कर थोड़ा सा 2 बिट्स इन अ डे, वो 1 या 2 बिट अगर कंज्यूम करेंगे, 1 बिट जो पर एक राइट ट्रैक जो है वो पकड़ना है। इसमें क्या रहता है, आप ना आपके जो आस पड़ोस में लड़के हैं, ठीक है, सोसाइटी में आपका जो फ्रेंड है था है किसी अच्छे घर का लड़का है, ठीक है, वो बहुत रोल प्ले करेगा, आपकी सोसाइटी जो है आपका फ्रेंड सर्कल है उन लड़कों से आपको पता होता है सोसाइटी में कौन सा लड़का किसका लड़का कैसा है, ये आपके अपने फ्रेंड्स को चूज़ करना है, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसकी तरफ ज़्यादा फ्रेंडशिप रखनी है, ठीक है, जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, कोई ड्रग्स का काम करता है, कोई गलत काम करता है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है, उससे आपने दूर रहना है, उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं रखनी है। क्लियर हो गया? आप भी तो रहते हो बिना ड्रग्स के, जो हमारे माइंड को या हमारी बॉडी ड्रग्स हैं, जैसे आपने एग्जांपल सुनी होगी, चले भी सुनाओ। अब ड्रग्स का मैं आपको अब्दुल हफीज वाइस, पुलिस की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, इसमें जो ड्रग्स एडिक्ट्स बच्चे हैं या इस इलाके में जो ऐसा अगर है तो उसके बारे में बताया गया और बाकी जितने भी क्राइम्स हैं उनके बारे में हमारे चौकी ऑफिसर ने हमें अवेयर किया, हमारे बच्चों को, हमारे स्टाफ को, और जो हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी के हमारे पास बहुत सारे लोग बैठे हुए थे इस महफिल में, उनको भी अवेयर किया है। और हमें यकीन है कि जो हमारे नए चौकी ऑफिसर आए हैं इस इलाके में, अगर किसी किस्म की भी कोई ऐसा बंदा मिलता है, हमें सोसाइटी में भी अवेयर किया है कि कोई ड्रग वाला या कोई ऐसा बच्चा मिलता है या कोई दिखाई देता है तो फौरी वो चौकी में रिपोर्ट करें ताकि हम इसको फौरी तौर पर कंट्रोल करवा सकें। परशुराम शर्मा है, मैं सरपंच लोअर जलास। आज हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल जलास में पुलिस के द्वारा हमारे चौकी ऑफिसर प्रिंस जसरोटिया साहब की तरफ से एक अच्छा प्रोग्राम रखा गया, जो को बच्चों को ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस किया गया, उसमें हम पुलिस का
बहुत बहुत वेलकम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं हमारे चौकी अफसर साहब भागे भी लोगों को आगे पीछे भी लोगों को अच्छे रास्ते पर चलाने के प्रोग्राम करते हैं और दिखाते रहते हैं कि अच्छा रास्ता जो अच्छा होता है, इसलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं चौकी अफसर साहब का।